हेलो एवरीवन, इन द सर्किट शोन इन द बिलो इन फिगर 8.45 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स की ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसके और इसके बीच का जो आर नेट है वो आर नेट कितना गिवन है जी, वो आर नेट गिवन है, आर नेट आपको गिवन है 4 ओम का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर बैटरी लगा के इस सर्किट में तो बैटरी अगर लगाऊं तो हमको प्लस और माइनस बैटरी लगाता हूँ तो ये जो करंट आई आ रहा है यहाँ तक तो बढ़िया आ रहा है, यहाँ पर I1 चला जाएगा, यहाँ पर I2 चला जाएगा। 8 ओम के रेजिस्टेंस में I1 रहेगा, 4 ओम के रेजिस्टेंस में भी I1 रहेगा और यहाँ तक I1 आएगा इस जंक्शन तक। यहाँ 5 ओम के रेजिस्टेंस में I2 आएगा और यहाँ भी I2 आएगा x ओम के रेजिस्टेंस में और I2 यहाँ आने के बाद I = I1 + I2 हो जाएगा, क्योंकि I ही यहाँ I1 और I2 में ब्रेक हुआ था तो फिर यहाँ I1 और I2 मिलकर I ही बनाएंगे और फिर से I करंट हमको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि I1 8 ओम के रेजिस्टेंस और 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू जैसे ही सेम देखते हैं हम समझ जाते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो सीरीज में होते ही 8 + 4 को हम क्या कर लेंगे, 12 ओम देख लेंगे। और आप ज़रा गौर से देखो तो यहाँ पर I2 भी 5 ओम में और x ओम में चल रहा है, करंट की वैल्यू सेम होते ही तुरंत हमें आइडिया लग जाता है कि ये भी हमारा सीरीज में है। तो सीरीज में होते ही हम क्या करने वाले हैं, इसको भी ऐड कर लेंगे तो हमारा 5 ओम हो जाएगा और प्लस x ओम हो जाएगा, 5 + x ओम हो गया ये। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम अगर सर्किट मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये एक सर्किट बन गया और एक सर्किट ये बन गया और यहाँ पर ये पॉइंट हम आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और 8 और 4 को आपने क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है और वो आ गया है 12 ओम और 5 और एक्स ओम को कंबाइंड कर दिया है, सीरीज कनेक्शन में थे ये तो ये आ गया है 5 + x ओम आ गया है, कुछ इस तरीके से ये बन गया है। और आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि ए और बी यहाँ का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम का है, कितना है, 4 ओम का है। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हैं, क्योंकि अगर आप करंट आई लेकर जाते हो तो यहाँ I1 चला जाएगा, यहाँ I2 चला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट दो रास्ते पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट करंट होने की वजह से हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये पैरेलल में है। तो 1/R net = क्या मिलेगा, 1/12 क्या मिलेगा हमको, 1/12 और प्लस 1/5 + x और 1/R net, आर नेट की वैल्यू देखो ये 4 ओम गिवन है तो 1/4 1/12 और प्लस 1/5 + x हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1/4 एज इट इज रहेगा और 1/12 इधर आ जाएगा, 1/5 + x एज इट इज रहेगा और यहाँ से 12 LCM ले लोगे आप तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 और = 5 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/12 और 1/5 + x इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 = 1/5 + x हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि 5 + x और (1) = 1/6 लिख सकते हैं और 5 + x = 6 लिखेंगे और x = 6 - 5 और x = कितना लिखेंगे, 1 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन।